गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे किस टाइप की फोर्स लगती है? क्या बोल रहा है कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, वो क्या एक्सपीरियंस करता है? वो एक्सपीरियंस करता है एक मैकेनिकल फोर्स, जिसकी वजह से वो इसमें आ जाता है, मोशन में आता है। दैट मैकेनिकल फोर्स जो है, उसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो वायर है, वो किसमें आ जाती है? मोशन में आ जाती है। इसके बारे में हमें बताया था माइकल फैराडे। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज नोन एज किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। नाम ही है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, दैट मींस कि वो एक्सपेरिमेंट जिसमें वायर जो है वो क्या होती है, किक आउट हो जाती है। मतलब वायर जो है वो मोशन में आती है, उससे पता चलता है कि हमारे पास जो ये इस पे वो जो कंडक्टर उस पर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। कैसे उसने किया था? उसने क्या किया था, एक यू शेप मैग्नेट लिया था, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे यू शेप मैग्नेट लिया था, और इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे क्या रखी थी, एक वायर रखी थी। अब यहाँ पे हम 3D नहीं बना सकते, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये ऐसे वायर रखी थी यहाँ पे, इसका एक एंड जो है वो टाइट किया था हुक के साथ, ठीक है। दूसरा एंड जो है वो लूज रखा था, ठीक है, यहाँ से मैग्नेट से कनेक्ट किया था। ये की लगा दी, और यहाँ पे क्या किया, इसका दूसरा एंड, यहाँ पे एक बॉल लिया, मर्करी बॉल, एक बॉल उसने क्या रखा, मर्करी रखा। मर्करी क्यों रखा? बिकॉज मर्करी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई मर्करी लिया था यहाँ पे। और ये जो फ्री एंड था एक, वो इसमें साथ रखा, इस मर्करी के बॉल में, और यहाँ से भी दूसरा एंड जो इसका मर्करी बॉल का। अब हमारे पास सर्किट जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, मार्क, ठीक है। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव करती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ऐसे मूव कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, सॉरी कंडक्टर कैसे, ऐसे। तो दैट मींस ये क्या है, दूसरे के परपेंडिकुलर है। दैट मींस हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किस में रखा, हमने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अब क्या किया उसने देखा कि जो ही उसने स्विच जो है वो क्लोज किया, स्विच क्लोज किया, करंट फ्लो करना स्टार्ट, क्योंकि हमारे पास सर्किट जो हो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, हम बस करंट फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। जो ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, वो देखेंगे कि ये जो वायर है वो क्या आ रही है, वो बाहर की तरफ मूव कर रही है, लाइक दिस। ये ऐसे ना, ठीक है, ये मैग्नेट है, ये वायर है, जो ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, ये वायर जो है किक आउट हो जाएगी, बाहर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। इसी तरह से फिर उसने क्या किया, दोबारा से रिवर्स पोलैरिटी रिवर्स, दैट मींस अब यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, और पॉजिटिव की जगह क्या किया, नेगेटिव रख दिया। A mechanical force
a conductor comes in motion. ठीक है, कंडक्टर किसमें आ जाता है? मोशन में आता है. अब हमारे पास जो ये मोशन में आ रहा है ऑब्जेक्ट, अब इसमें हमारे पास डायरेक्शन में हो, कैसे पता चलेगी कि ये आगे की तरफ मूव करेगा या पीछे की तरफ मूव करेगा? वो डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करेंगे. वो डायरेक्शन हमें किसने बताई थी? बताई हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये
ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया करंट, ये आ जाएगी पोटेंशियल फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। तो ये हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए दिया जाता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दिया जाता है डायरेक्शन जो है मोशन की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। इसी एक्सपेरिमेंट्स पे, इसी रूल्स पे हमारे पास एक डिवाइस वर्क करता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक मोटर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? आपने सबने देखी हुई है मोटर, क्या होती है मोटर? देखी हुई है मोटर? देखी हुई, बिल्कुल देखी हुई आप लोगों ने मोटर, सबके घरों में मोटर होती है। ये नहीं है जरूरी पानी वाली मोटर, मोटर आपके पास हर एक इसमें चीज में मोटर लगती है, जैसे आपके पास सीलिंग फैंस है उनमें भी मोटर लगती है, जितने भी हमारे पास डिवाइसेस होते हैं घर में मैक्सिमम डिवाइस में क्या होती है मोटर लगी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, क्या कन्वर्ट करती है? बिजली पे चलती है, दैट मींस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक डिवाइस किसको कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? यही प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा, दैट इज कौन सा प्रिंसिपल? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इनसाइड अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है, एक्सपीरियंसेस अ मैकेनिकल फोर्स ड्यू टू व्हिच इट कम्स इन मोशन। ठीक है, ये प्रिंसिपल पे वर्क करती है। कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी? कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम इसकी। मैं यहाँ पे एक मोटर बना लेती हूँ, स्ट्रक्चर इसका। कार्बन ब्रशेस, दीज आर मैग्नेट्स। ठीक है, दिस आर्मेचर कॉइल। ठीक है, इसको बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग्स। दिस इज व्हाट, दिस इज बैटरी, दिस स्विच, इसको की बोलते हैं। ठीक है, या के कार्बन ब्रश दे दो। ओके, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक मोटर में दो मैग्नेट्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिए दो मैग्नेट्स होते हैं, फील्ड मैग्नेट्स बोलते हैं इनको। फील्ड मैग्नेट्स किसलिए होते हैं? फील्ड मैग्नेट्स का काम क्या है? ये प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फील्ड, प्रोवाइड करता है। एक लकड़ी का दिया जाता है या इंसुलेटेड कोई भी चीज दी जाती है, उसके ऊपर जो है कॉइल को वाइंड किया जाता है। ठीक है, कॉइल को वाइंड किया जाता है इसके अराउंड, इसके अराउंड कॉइल को वाइंड किया जाता है, तरीके बन जाती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर कॉइल। ठीक है, यहाँ पे कॉपर कॉइल होती है एक्चुअली, है आर्मेचर कॉइल। इस आर्मेचर कॉइल के एक एंड पे क्या कनेक्टेड है? एंड पे कनेक्टेड होते हैं स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स का क्या होता है? स्प्लिट रिंग्स क्या होती है? एक रिंग है हमारे पास आयरन की बनी हुई है, या कोई भी आपके पास कंडक्टिंग होगा जो भी, एक रिंग है, इसको बीच में अगर मैं तोड़ दूंगी तो
करते हैं, जो वो बना के रखती है। अगर हम ब्रशेज नहीं लगाएंगे, वायर सीधा स्प्रिट किक के साथ लगाएंगे, तो जब ये रोटेट करेगा तो ये एक मैसअप हो जाएगी, ऐसे वायर जो इसके अराउंड जो है वो लगती जाएगी, इसके अराउंड जो वाइंड अप होती जाएगी, तो ये मैसअप हो जाएगा। दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कार्बन ब्रश लगाते हैं, टू मेंटेन द कंटेक्ट बिटवीन द दैट वायर और जो बैटरी है उसके बीच में कंटेक्ट मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, इसी तरह से अब हमारे पास अगर बैटरी पता है आपको क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस द सर्किट। की भी पता है आपको, ये स्विच जो है दैट वो किस लिए होता है कि सर्किट को कंप्लीट ब्रेक डाउन या इसको कंप्लीट करवाने के लिए स्विच का काम, स्विच यूज होता है। अब देखिए हमारे पास इसके कंस्ट्रक्शन तो हो गई, अब वर्किंग क्या है इसके। हाँ, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एक और चीज, इस स्प्लिट रिंग का काम क्या है, ये क्या करता है, पोलैरिटी को रिवर्स करवाता है, डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी को रिवर्स, इसको कम्यूटेटिव रिंग्स भी बोलते हैं, कम्यूटेटिव रिंग्स। कम्यूटेटर्स क्यों बोलते हैं या कम्यूटेटर्स बोलते हैं, कम्यूटेटर्स क्यों बोलते हैं, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटर्स, व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ठीक है, सॉरी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, दैट मीन्स ये क्या करता है, रिवर्स करता है पोलैरिटी को, दैट इज नॉन एज कम्यूटेटर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका, अब यहाँ पे जो है इसकी वर्किंग कैसे काम करता है मैं आपको बताती हूँ, वर्किंग क्या है इसकी, ध्यान से देखिए आप इसकी वर्किंग क्या है। देखिए हमारे पास यहाँ पे फील्ड मैग्नेट है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड करेगी स्टार्ट होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रन करेगी लाइक दिस। अगर आप इस फेस को देखें, इनके चारों फेसेस को देखें, ए बी डी सी सी डी और डी ए, अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो ही स्विच ऑन करेंगे हम, ठीक है, स्विच ऑन करेंगे, स्विच को हमने ऑन किया, हमारे पास सर्किट जो है वो क्लोज हो गया, करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट करेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइक दिस, ऐसे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, ठीक है, ऐसे ही फ्लो करेगी ना, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, जो ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, आप देखिए अब एक ही एंड को देखिए, आप यहाँ से ब्रश से करंट जो है इसमें जाएगी, इसमें स्प्लिट रिंग S1 में, फिर यहाँ से ए बी, ए बी फेस में जाएगी। अब ये जो ए बी फेस है ये क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, फेस ऐसे है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज यहाँ पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, ठीक है, फोर्स लगेगी। ये फोर्स जो है, ये जो फोर्स यहाँ पे लगेगी, ये हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पे ये फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन लगाएंगे, लगाइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आपने फोर्स फिगर को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगा वो देगा आपने डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ की तरफ, अपवर्ड लाइक दिस। तो हमारे पास जो फोर्स है वो कहाँ की लगेगी, इनवर्ड, दैट मीन्स अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, ठीक है, डाउनवर्ड, जैसे ये मेरे पास हाथ में आ गई, फोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगी, तो ये फेस कैसे जाएगा, नीचे फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। अब ये जो बीसी है ये हमारे पास पैरेलल है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, अगर इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी तो एज इट इज ही रहेगा, इसमें कुछ स्ट्रीम चेंज होगी। अब ये जो सीडी, सीडी फिर से जो है दैट्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सीडी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो यहाँ पे भी क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। अब ये फोर्स किस डायरेक्शन लगेगी, अब यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारे पास फोर्स किस डायरेक्शन लगेगी, अपवर्ड, ठीक है, और एडी जो है दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू दैट मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। अब क्या हो रहा है, इस साइड से डाउनवर्ड फोर्स लग रही, इस साइड से अपवर्ड फोर्स लग रही, तो ये क्या जाएगा ऐसे, ठीक है, आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एक कपल ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यहाँ से दोनों इक्वल फोर्स देखना, पोल डायरेक्शन में, एक नीचे की तरफ लग रही, एक ऊपर की तरफ लग रही, जिसकी वजह से ये किस में आ जाएगा, रोटेशन में, ये रोटेट करेगा, जब ये रोटेट करेगा मान लो ये ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया, अब जो स्प्लिट रिंग है, ठीक है, स्प्लिट रिंग का कट ऑफ हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अब स्प्लिट रिंग कट टच में नहीं है, इसके क्वाइल के, इसके ब्रशेस के टच में नहीं है, ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास जो है ये कट ऑफ हो जाएगा,
मतलब कट ऑफ हो जाएगा, दैट मींस अब यहां पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया मोशन, इनर्शिया मोशन की वजह से ये स्टिल क्या रहता है, मोशन में रहता है और ये कंप्लीट टर्न दे देता है। ये ऐसे था, ठीक है, फिर ऐसे हो गया, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया मोशन क्या हो जाता है, पूरा का पूरा कंप्लीट टर्न लग जाता है। जब कंप्लीट टर्न हो जाता है, अब ये एस वन एस टू कहाँ आ जाता है, एस वन पे एस वन कहाँ आ जाता है, एस टू, यहाँ पे बन जाएगा एस टू और यहाँ पे क्या बन जाएगा एस वन, हो गया। अब डायरेक्शन जो है वो, अब इसका मतलब ए बी जो है कहाँ आ गया, सी बी की जगह पर, सी बी कहाँ पे आ गया, ए बी की जगह पे, यहाँ पे हम बना के दिखाते हैं। अब हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है, अब ये आ गया सी डी और ये आ गया, दिस इज सी डी और ये क्या आ गया, दिस इज ए बी। अब उल्टा हो गया, डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। अब जब फिर से हमारे पास ये कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, ब्रश से कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, फिर से आपके पास बैटरी के थ्रू आपके पास जो है वो करंट जो है पास होती जाएगी, करंट पास होगी तो फिर से ये किसमें आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, फिर से फोर्स लेगी। अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, यहाँ पे ऐसे होगी अपवर्ड और यहाँ पे क्या होगी डाउनवर्ड। पहले सीडी पे डायरेक्शन क्या थी, डाउनवर्ड, अब सीडी पे डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, दैट मींस इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो गई, रिवर्स हो गई। फिर से इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। अब ऐसे था, ठीक है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, अब दोबारा से ये ऐसे होगा और दोबारा से ये पूरा का पूरा कंप्लीट टर्न लेगा, 360 डिग्री का टर्न लेगा, ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर से इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर से हमारे पास कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, फिर से मूवमेंट होती रहेगी। दैट मीन्स ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक हमारे पास इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सप्लाई होती रहेगी। तो हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इसी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस, ये जो हमारे पास डिवाइस है, दैट इज द इलेक्ट्रिक मोटर, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। तो दिस वॉज अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे electromagnetic induction.